रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में मैं हूँ आमना वकास। तो आज मैं आपको बताऊंगी घर पर हम किस तरह से लहसुन का पाउडर तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लहसुन ले लिया है। आप जितनी चाहे मिकदार में लहसुन को ले सकते हैं, उसको छील लें और छीलने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह से अपने चॉपर में डालें और इसको चॉप कर लें। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप छुरी की मदद से भी इसको पतला पतला काट सकते हैं, या तो फिर जो दोरी डंडा है उसके अंदर मोटा मोटा कूट लें, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, और एक ज़रूरी बात कि बेल नोटिफिकेशन के बटन के ऊपर प्रेस करना मत भूलिएगा। तो इधर जो है ये आप देख सकते हैं कि लहसुन किस तरह से चॉप हो चुका है, इस तरह से छोटा छोटा हो चुका हुआ है। अब इसको हम सुखा लेंगे धूप में रख कर। तो इधर आप देख सकते हैं कि मेरा लहसुन जो है सूख चुका है। मैंने इसे धूप में रखा था 2 दिन के लिए, ऊपर से पतले से जोन से है ना दुपट्टे के साथ मैंने इसको कवर कर दिया था अच्छे से, ताकि इसके ऊपर कोई मक्खी मच्छर या फिर डस्ट वगैरह इसके अंदर ना जाए। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये खुश्क हो चुका है, ड्राई हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, जब आपका लहसुन इस तरह से खुश्क हो जाएगा तो आपने अपनी मसाला पीसने वाली डिब्बी लेनी है, उसके अंदर आप इसे डालेंगे और अच्छे से इसको पीस लेंगे। तो आपके पास जौन सा है होममेड पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखें, इसको निकाल लेते हैं। तो अब हम ये करते हैं कि इसको बंद कर कर पीस लेते हैं। बहुत से खाने ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम गार्लिक पाउडर यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास बेस्ट है, साफ़ सुथरा सा हम अपने घर पर इसे तैयार कर सकते हैं और बहुत ही लंबे अरसे तक हम इसे महफूज कर सकते हैं। जिस तरह से हम अपने नमक मिर्च को किसी भी कंटेनर में भर कर रख लेते हैं, इसी तरह से आपने इस पाउडर को भी किसी कंटेनर में भर कर रख लेना है, और जब आपको ज़रूरत हो, जितना आपको ज़रूरत हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत ही इजी रेसिपी है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ साथ इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।